हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल में टेक्निकल टेक पे। तो गाइस, गाड़ी है महिंद्रा बोलेरो एलेक्स और गाड़ी में एक प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा ही प्रॉब्लम हो रहा है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रहा। तो अभी आया है गाड़ी खींच के वर्कशॉप में और देखेंगे अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है। चलिए आपको दिखाता है इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो चलिए गाड़ी का आपको प्रॉब्लम दिखाता है। तो देखिए यही है प्रॉब्लम, इसमें 160 आ जा रहा है वोल्टमीटर पे और ये आने के बाद से गाड़ी अभी स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। देखिए अभी क्रैंकिंग होगा, सेल्फ होगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं ले रहा है। तो यही है प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम क्यों होता है, तो क्या है इसका कारण, तो चलिए अभी देखते हैं। अभी स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करेंगे ये कहाँ से प्रॉब्लम ये आ रहा है। तो अभी हम सबसे पहले इसका जितना फ्यूज़ है, सबसे पहले फ्यूज़ को चेक करना है। अगर कोई जगह से एक फ्यूज़ अगर ख़राब निकलेगा तो ये फ्यूज़ की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो सबसे पहले स्टेप जो मेरा रहेगा वो हम फ्यूज़ को चेक करेंगे इसका। तो एक फ्यूज़ बॉक्स रहता है यहाँ पे, जितना इंटीरियर का जितना कनेक्शन वगैरह होता है सब यहाँ से होता है, और एक रहता है बार पे। तो देख सकते हैं मैंने बोनेट को खोल दिया ऑलरेडी। तो यहाँ पे एक फ्यूज़ बॉक्स से देख सकता है, तो यहाँ पे भी एक फ्यूज़ बॉक्स है, अगर और एक फ्यूज़ बॉक्स इसका यहाँ पे भी है देख सकते हो। यहाँ पे है इसका मेन, ये स्टार्टिंग वगैरह का फ्यूज़ है। तो चलिए अभी फ्यूज चेक करके देखते हैं। तो गाइस फाइनली अभी गाड़ी हो चुका है स्टार्ट। तो चलिए प्रॉब्लम आपको दिखाता है, बताता है कहाँ से ये प्रॉब्लम हुआ था गाड़ी पहले जो स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो ये है मेन प्रॉब्लम इसका, जो पहले गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था इसकी वजह से। तो ये क्या है, ये है रिले। तो ये रिले की वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था, देख सकते हैं इसका अंदर घुसा है पानी और ये पानी लग के कार्बन पकड़ लिया, देख सकते हैं पूरा लाल लाल हो गया, और उसके बाद ये रिले काम करना कर दिया बंद और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था, देख सकते हैं कितना कार्बन है। चलिए दिखाता है ये कहाँ पे लगा हुआ रहता है, ये ईसीयू को ये करंट सप्लाई देता है। तो ये जब ख़राब हो जाता है तो ये 160 शो करता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। तो चलिए ये मेन रिले कहाँ पे लगा हुआ रहता है चलिए आपको दिखाता है। और फ्यूज़ वगैरह मैंने इसका सब चेक किया, फ्यूज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो रिले है, ये रिले लगा हुआ रहता है आपका, ये जो फ्यूज़ बॉक्स है इसका साइड में देख सकते हैं। तो देख सकते अभी हम न्यू रिले लगाया, ये न्यू रिले लगाते गाड़ी अभी स्टार्ट हो चुका है, 160 चला गया है और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट हो गया। तो ये है मेन रिले आपका, तो ये आपका ईसीयू को पावर सप्लाई देता है। चलिए ये वीडियो करते हैं यही पे एंड, काम हो चुका है कंप्लीट। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए।